एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज की टीम जिला अलीगढ़ के ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी के गांव पहुंची, जिन्होंने अपने गांव में तमाम विकास के कार्य कराए हैं। तमाम सड़कों पर उन्होंने सीसी टाइल्स रोड के साथ साथ इंटरलॉकिंग की सड़कों का निर्माण कराया, तो सोलर लाइटें लगवाने के बाद उन्होंने पथ प्रकाश की व्यवस्था भी गांव में कराई है, जिससे अब ग्रामीण रात के समय रोशनी में चल पाते हैं और अब बरसात के मौसम में यहाँ कीचड़ भी नहीं होता। गाँव वालों का कहना है कि ग्राम प्रधान इस समय बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते भी हैं और आधिकारिक लेवल पर उनको पूरा हल कराने का भी प्रयास करते हैं। ग्रामीणों से सलाह लेकर गांव के विकास कार्य भी कराते हैं। उन्होंने सीसी रोड टाइल्स के अलावा तमाम ऐसे कार्य कराए हैं जिनकी गांव वालों को आवश्यकता थी। शौचालय का निर्माण हो या फिर आवास की व्यवस्था हो, उसमें ग्राम प्रधान ने कभी भी लापरवाही नहीं बरती और पात्र व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि जो समस्याएं हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी, लेकिन उनमें समय लगेगा। मैं ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से ग्राम पंचायत जनपद अलीगढ़ बोल रहा हूँ। हमने अपने गांव के अंदर इंटरलॉकिंग विकास कार्य कराया है, जिसके अंतर्गत करीब 10 खरंजे हमने करा दिए हैं और आगे भविष्य में इंटरलॉकिंग करा दिए हैं। इसके लिए हम अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं एवं ग्राम सभा बेटा जलालपुर के अंदर 25 शौचालय बनवा दिए हैं और गाँव में जो चक्रोड पर मिट्टी भराव किया गया है वो भी हमने करीब 10 पर करा दिया गया है और आगे भविष्य में कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री आवास मिला है जो कि अशोक कुमार सनौत श्री क्षेत्र के नाम डेटा के लिए मिला है और 150 मीटर नाली ग्राम डेटा में एक पैसिया पोखर हमारे लिए हमारे गांव के अंदर उसके लिए बनवाई गई है जो कि सड़क के सहारे है। अब मैं राज्य सरकार एवं सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की निकासी के लिए जो पानी सड़क पर बहता है उसके साइड में उभर के नाली निकल जाए और वो पानी तालाबों में चला जाए और एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी होनी है, जिससे कि दोनों गाँव के लिए जो मरीज हैं एवं साइड के जो लोग हैं उनके लिए मरीजों की व्यवस्था भरपूर हो सके एवं हमारे जो विद्यालय के अंदर जो रिवर पड़े हुए हैं जिसमें बच्चों के पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं वो रिवर में कराई जाए एवं हमारा जो संपर्क मार्ग है बाईपास मार्ग उसको ठीक कराया जाए, उसको इंटरलॉकिंग या पक्की ईंटों द्वारा उसको बनवाया जाए, वो भी मिलनी चाहिए जिससे गरीब लोगों के जो छत मकान टूटे पड़े हुए हैं वो अपने बच्चों को लेकर के अच्छी तरह से रह सकें।